गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। 5 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। इंद्रिय संयम का आधार समत्व होना चाहिए। पृष्ठ लिया गया है अप्रोक्षानुभूति प्रवचन, भगवान शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का ग्रंथ है अप्रोक्षानुभूति। परम पूज्य महाराज जी के जो प्रवचन हुए थे तो बाद में जब ग्रंथ रूप से छपा तो वहाँ एक विशेष प्रसंग में बहुत सारे श्लोक दिए हैं जिसमें अष्टांग योग जो है, तो योग दर्शन में पतंजलि योग में अष्टांग योग है, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उन 8ों को भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत में घटाया है कि ये हैं तो सब साधन, पर उनको वेदांत की दृष्टि से भी हम कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में जैसे इंद्रियों का संयम है, तो आज के पृष्ठ में महाराज जी बताएंगे कि समत्व सम एक होता है, विषम एक होता है सम। समत्व यानी सबके प्रति समान हमारी बुद्धि हो, विषम यानी एक के प्रति पक्षपात, दूसरे के प्रति क्रूरता, वो विषम है। तो समत्व बुद्धि वो भी इंद्रिय संयम का आधार बन सकता है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने अप्रोक्षानुभूति में बताया। तो उसी को लेकर महर्षि चर्चा कर रहे हैं, और भी सभी साधन सबके लिए अलग 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 बातें बताई है, पर इंद्रिय का संयम जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसको लेकर ये आज का पृष्ठ है कि कैसे समत्व के आधार पे भी इंद्रियों का संयम किया जा सकता है। ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि अंत में जो 3 दृष्टांत महाराज श्री देंगे उससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि समत्व में कैसे व्यक्ति इंद्रियों का संयम कर सकता है। भगवान ने 2 अध्याय में भी और 5 अध्याय में भी समत्व की विशेषता बताई। 2 अध्याय में 38वें श्लोक में बताया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्माद् युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम आप्स्यसि। अर्जुन को कहा कि ये जो तुम डर रहे हो कि गुरुओं को मारने से युद्ध में मुझे पाप लगेगा, उसका कारण ये है कि इस समय तुम अपनी बुद्धि में विषमता लाए हुए। अगर फल के जो आसक्ति है उसको तुम छोड़ दो, फल की आसक्ति क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मुझे जय चाहिए पराजय नहीं चाहिए, मुझे लाभ चाहिए हानि नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए, तो ये जो है ये विषमता है, ये समत्व नहीं है। हमको अपना कर्तव्य कर्म करना है, उसके परिणाम में हमको क्या मिलता है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। कर्तव्य कर्म हमारा जो है वो उत्तरदायित्व है, उसे हमको निभाना है। तस्माद् योगाय युज्यस्व नैवं पापम आप्स्यसि, तुझे पाप की प्राप्ति नहीं होगी अगर तू इस प्रकार से युद्ध करेगा। तो वहाँ समत्व का उपदेश देकर और फिर 48 में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में वहाँ इसको बुद्धि योग कहिए, निष्काम कर्म योग कहिए, ये पर्यायवाची शब्द हैं, उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या दूसरे अध्याय में भगवान ने की और अंत में जाके बताया कि तुम योगस्थ होकर कर्म करो। योगस्थ में इसके पूर्व के श्लोक में बता चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्थ कर्मणि। इसके बाद में ये श्लोक आता है कि जैसा मैंने बताया है वैसे तुम अपने कर्म को यानी युद्ध को करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संग फलाशक्ति, फल की आसक्ति को मत रखो, फल की तृष्णा को मत रखो। फल की आसक्ति के बिना, फल की इच्छा के बिना तो कोई कर्म होगा ही नहीं, पर फल की जो तृष्णा है कि मैं मुझे जय ही प्राप्त हो, ये कर्मयोग का ये तरीका नहीं है। कर्मयोग में समत्व चाहिए। तो सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि हो असिद्धि हो उसमें सम रहना है। इसलिए भगवान ने अंत में कहा कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं गीता का क्या योग है, तो स्वयं भगवान ने बता दिया कि समत्वम योग उच्यते। और आगे चल के 5वें अध्याय में समता के बारे में बताया, इहैव तैर्जित सर्गो जेषाम साम्य स्थितम मन है निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थित। आज के पृष्ठ में हम देखेंगे कि यहाँ 5वें अध्याय में गीता में भगवान ने सम को ब्रह्म बताया। तो ये सम ब्रह्म कैसे है? क्योंकि निर्दोष है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। संसार जो है वो विषम है और सदोष है। ब्रह्म जो है, हमारा आपका जो स्वरूप है, आत्मा जो है, वो निर्दोष है और सम है। तो उसी को आधार बनाकर महर्षि आज दिखाएंगे कि इंद्रियों का भी संयम किया जा सकता है। कैसे? देखिए महर्षि क्या कह रहे हैं। बहुत सी बातें जीवन में अभ्यास करके लानी पड़ती हैं। सब ब्रह्म ही है, यह बार बार अभ्यास करने योग्य है। सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वेद का मंत्र है, सब कुछ ब्रह्म ही है। हमारा सनातन वैदिक धर्म का सिद्धांत है कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो इसका बार बार अभ्यास करने योग्य है, मतलब करना चाहिए। क्या? सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। इसी को भक्त लोग कहते हैं सिया राम में सब जग जाने। इंद्रिय समूह का तो, इंद्रिय समूह का संयम तो हो, पर सब अपना ही स्वरूप है, इस आधार पर हो। इंद्रिय समूह का संयम अलग अलग तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में, पर ये अप्रोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य जी ने जो तरीका बताया है उसकी व्याख्या महर्षि कर रहे हैं कि इंद्रिय समूह का संयम तो करना ही पड़ेगा। इंद्रिय समूह का संयम तो हो, पर सब अपना ही स्वरूप है, इस आधार पर हो। अच्छा, इंद्रिय समूह का संयम करने की क्या जरूरत है? इंद्रियां अपने विषयों को, विषयों की ओर लपकती है। अब व्यक्ति जो है वो जब इंद्रियों को छूट दे देता है विषयों का सेवन करने में, तो इंद्रियां उसमें आसक्त हो जाती हैं, इसकी वासना हो जाती है, और वो वासना आगे चल के बहुत दुख देती है, क्योंकि वो उसके पराधीन हो जाता है। यही इंद्रिय की जो वासना है, और आगे चल के अगर वो संयम नहीं करता है तो उसकी छाप मन में पड़ती है।
इंद्रियां तो फिर भी इंद्रियों के सामने वस्तु आएगी, विषय आएगा, तो वो चाहेंगी, और नहीं विषय है तो इंद्रियां, इंद्रियों की कोई लपक नहीं है। पर अगर ये आसक्ति मन में चली गई, ये वासना अगर मन में पहुंच गई, तो विषय सामने नहीं भी है तब भी मन उसका चिंतन करता है, तो मन में राग हो जाता है, तो राग होने के कारण फिर उसको वो वस्तु चाहिए, ये और ज़्यादा कठिन है। कठिन है मतलब इंद्रियों के संयम तक कर लेते तो और भी सरल था, पर जब मन में वासना पहुंच गई तो अब तो उसका वो दिन रात चिंतन करता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में ध्यायतो विषयान पुंस है, विषयों का ध्यान करता है मन से, और संगस्तेषु उपजायते, फिर उसकी जो आसक्ति है उसका रंग जाता है, मन जो है उसमें विषयों के राग में रंग जाता है। तो मन जब चिंतन करने लगता है तो संगात संजायते कामह, अब वो जो कामना है वो उस व्यक्ति को विचलित कर देती है, विक्षिप्त कर देती है, और कामात क्रोधो भी जायते, कामना के बीच में कोई विघ्न पैदा हुआ, किसी ने विघ्न डाला तो उसके प्रति क्रोध, वो शत्रु हो जाता है। क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। दो श्लोकों में मन में जो वासना की छाप पड़ गई वो कितनी भयंकर है कि बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अब वो किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता, अपना नाश कर लेता है। बहुत बार मैंने बताया कि जैसे प्रथम मंजिल से गेंद गिरी तो टक 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 नीचे पहुंच जाते, ऐसे किया तो मन ने ध्यान विषयों का, और उसका परिणाम क्या हुआ कि किसी काम का नहीं रहा। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत सावधान किया है। यहाँ पर अपना प्रसंग क्या है कि इंद्रियों का संयम क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसकी मन पे छाप पड़ेगी, मन की वासना, उससे व्यक्ति मन जब रंग जाएगा तो और उसके लिए मुश्किल है, और इसकी और आगे चल के बुद्धि में वो वासना चली जाती है। बुद्धि में वासना का जाने का अर्थ है कि अब वो उसमें चिंता मग्न हो जाता है। तो ये चिंता जो है वो क्यों हुई, क्योंकि इंद्रियों पे संयम, वहाँ हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस आज के पृष्ठ में इंद्रियों के संयम को कैसे करें, तुम्हारा श्री कह रहे हैं कि सब अपना ही स्वरूप है, इसको आगे समझाएंगे, इस आधार पर संयम हो। एक तो है कि इंद्रियों को बहुत उसको कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत अपने परिश्रम कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियां विषयों में न जाएं, और एक यह है कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये जो आधार है इसकी विशेषता बताएंगे आगे। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, जो मुझ में है उससे अधिक कहीं नहीं है। ये कहाँ कहा गया, ये उपनिषदों में कहा गया कि जो यहाँ है वही बाहर है, मतलब परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में भी है, और परमात्मा सर्वव्यापक भी है, और जो परमात्मा बाहर है सर्वव्यापक है वो हमारे हृदय में भी है। तो जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है, जो मुझ में है उससे अधिक कहीं नहीं है, यानी वो परमात्मा जब मेरे में है तो परमात्मा से तो बढ़कर कुछ माना ही नहीं गया है, कहीं भी नहीं माना गया है, तो इसीलिए उससे अधिक कुछ है ही नहीं। तो इस विचार से क्या हुआ कि अब विषयों के प्रति, महर्षि के शब्दों में देखिए, जिसके विषय में यह विचार होता है कि यह यहाँ नहीं है वहाँ है, यह यहाँ नहीं है वहाँ है, हमने कोई बात सुनी सिंगापुर के बारे में या अमेरिका के बारे में, तो हमको पता है कि भाई वो चीज़ वहाँ जाने पर तो मिलेगी, वो चीज़ यहाँ नहीं है, वो दृश्य कह लीजिए या वहाँ की जो भी भोग्य वस्तु कह लीजिए, है ना, ऐसे ही स्वर्ग के बारे में नंदनवन अप्सराएं, तो वो तो स्वर्ग में जाने पे मिलेगी, यहाँ नहीं है।
तो महर्षि कह रहे हैं कि जिसके विषय में यह विचार होता है कि यह यहाँ नहीं है वहाँ है, एक बात, दूसरा अभी नहीं है फिर कभी होगा, यानी इस समय तो हम जो शास्त्रों में बताया है वो यज्ञ करें और वो यज्ञ करने से उसका फल मिलेगा हमको स्वर्ग, तो अभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद है ना, फिर कभी होगा, तो मरने के बाद होगा, अपने में नहीं अन्य में है ना। तो ऐसा लगता है कि मेरे में तो वो सुख नहीं है पर सामने वाले में है, तो वो जो सामने वाले में सुख दिख रहा है ना, तो इसको महाराज कह रहे हैं कि वह ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के बारे में ऊपर आया सब ब्रह्म ही है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो वो अभी भी है ना, और यहाँ भी है और मुझ में भी है। अच्छा, अगले वाक्य में कह रहे हैं, जो परमानंद वैकुंठ में है, स्वर्ग में है, समाधि में है, वही जब तुम्हारे हृदय में विद्यमान है तो अन्य से आनंद प्राप्त करने की कंगाली दिखलाना व्यर्थ ही है। यानी समत्व को जब आधार बनाएंगे तो समत्व ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का स्वरूप ही समत्व है, तो वो जो ठाकुर जी हैं तो वैकुंठ में भी है, स्वर्ग में भी है, समाधि में भी है और हमारे हृदय में भी है, तो वही जब तुम्हारे हृदय में विद्यमान है तो अन्य से आनंद प्राप्त करने की कंगाली दिखलाना व्यर्थ ही है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो उसको जब पता लग गया कि वही ठाकुर मेरे हृदय में है, तो फिर ये जो इंद्रियों के पराधीन होके इंद्रियों से सुख चाह रहा है ना, अन्य से आनंद प्राप्त करने की कंगाली दिखलाना, मुझे स्त्री चाह रही है पुरुष से सुख मिलेगा, पुरुष चाह रहा है स्त्री से सुख मिलेगा, तो ये जो कंगाली है वो दिखलाना व्यर्थ ही है। वह आनंद स्वरूप तो तुम में ही है, तुम ही हो, ये कौन बता रहा है? शास्त्र। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विचार करेगा कि भाई जब मेरे पास है तो मैं कंगाल क्यों बनूं? अगले पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं, सर्वत्र एक रस परिपूर्ण अविनाशी ही भरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसी को हम अविनाशी कहते हैं, है ना, वो परिपूर्ण अविनाशी एक रस उसका स्वरूप है और वो सर्वत्र ही भरा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, इसलिए सब ब्रह्म ही है। दूसरी पंक्ति में जो बात बताई उसी को बार बार समझा रहे हैं कि जब सब ब्रह्म ही है तो सर्वत्र एक रस परिपूर्ण अविनाशी ही भरा हुआ है। अब हो क्या रहा है कि हमारी इंद्रियां चंचल हो रही हैं कि भाई कोई भोग की वस्तु है, विषय शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है ना, कोई शब्द को लेके भाई हमको तो बस सुनते रहना है संगीत, बिल्कुल पागल होते हैं, दिन रात बस वो संगीत में सुनते रहते हैं या खुद भी संगीत में लगते हैं, तो ये इंद्रियां जो चंचल हैं, महर्षि कह रहे हैं कि अतः इंद्रियों को चंचल करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर ये पराधीनता क्यों हो रही है शब्द स्पर्श रूप रस गंध की? मैंने जैसे बताया पहले ध्यान नहीं दिया तो इसलिए पहले इंद्रियों में वासना आई, वही वासना फिर मन में और मन से फिर बुद्धि तक चली गई, तो अब उसको चैन नहीं है, अब उसको लगता है कि मुझे वो वस्तु मिलेगी तभी मुझे चैन मिलेगा। पर महर्षि कह रहे हैं कि अगर ये बात समझ में आ गई कि सब ब्रह्म ही है तो इंद्रियों को चंचल करने की आवश्यकता ही नहीं है। हुआ क्या है कि इंद्रियों को चंचल रहने का स्वभाव हो गया, क्योंकि ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान नहीं दिया तो उनका स्वभाव हो गया, यह स्वभाव करने से पड़ा है, अतः न करने से छूट जाएगा। इसी को दृष्टांत देके समझा रहे हैं, जैसे चाय पीने का स्वभाव हो गया है किंतु कुछ दिन इसे सहकर चाय पीना छोड़े रहें तो फिर चाय का स्मरण भी नहीं आवेगा।
अब यहाँ बैठे हैं और उनको गुटका का स्मरण ही नहीं आता, और जो नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको आवेगा, तो कह रहे कैसे होगा फिर? तो बोले बहुत सरल है, चाय पीने का स्वभाव हो गया था, कुछ दिन उसे सहकर चाय पीना छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, अब चाय का स्मरण भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही ये जो इंद्रियों को चंचल रहने का स्वभाव हो गया है, कोई भी चीज़ चाय हो, गुटखा हो, शराब हो, है ना, कई प्रकार के स्वभाव होते हैं, ये स्वभाव करने से पड़ा है, अतः न करने से छूट जाएगा। तो इसलिए संक्षेप में इस इंद्रिय संयम का आधार समत्व होना चाहिए, यानी ये भी एक विधा है, और भी बहुत सारे उपाय बताए हैं इंद्रियों के संयम करने के, पर एक ये जो विधा है ये कितनी सरल है कि हमको कंगाली की जरूरत ही नहीं है, हम कंगाल क्यों बने? जब हमारे हृदय में परमात्मा है तो हमको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। अब तीन दृष्टांत महर्षि देंगे समत्व का, और ये इतना सुंदर है इसीलिए इस पृष्ठ को हमारे लेने का मन हुआ, उसको हमने वेदांत में नहीं डाला है, क्योंकि अभी तक जो व्याख्या हुई है वो तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, पर आगे के दृष्टांत बहुत सरल हैं और समझने लायक हैं। पहला दृष्टांत महर्षि अपना ही, बहुत से दृष्टांत आनंद रस रत्नाकर में आप देखेंगे अपने पर घटाते हैं, जितने महापुरुष हैं वो सब अपने पर घटाते हैं। हम किसी के घर जाते हैं और वह हमें रुपया भेंट करके प्रणाम करता है, तो सोच लेते हैं इसमें श्रद्धा है, अच्छा चलो ये तो एक बात हो गई, है ना, उसने कुछ भेंट रखी, लिफाफा रखा। कल्पना करो किसी के घर जाते हैं वह केवल प्रणाम ही करता है, तो क्या समझते हैं? तो समझते हैं कि ये हमको विरक्त मानता है, तो ये नहीं कि भेंट दिया वो वाला अच्छा है और ये भेंट नहीं दिया वो बुरा है, इसमें कोई बुरा अच्छा नहीं है। तो ये इस प्रकार समत्व का अभ्यास करो। समत्व का अभ्यास करने की युक्तियाँ हैं, युक्तियाँ क्या है? जिसने भेंट नहीं दी वो हमको विरक्त समझ रहा है, जिसने भेंट दी उसकी श्रद्धा है। दूसरा दृष्टांत, एक प्राकृतिक चिकित्सक है, मुझे जुकाम हो जाए तो वे कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, शरीर में एकत्र मल निकला जा रहा है। अच्छा, कभी बुखार आ जाए, ज्वर आ जाए तो कहते हैं शरीर का विकार अब निकल गया। तो वो जो प्राकृतिक चिकित्सक है वो ये नहीं कि महाराज आपको अब बीमारी हो गई तो अब आप दवा लीजिए, कुछ नहीं, जुकाम हो गया है ना, जुकाम के बारे में प्रसिद्धि है कि वैसे दवा लो तो एक ही सप्ताह लगता है, एक सप्ताह में ठीक हो जाता है, और दवा नहीं करो 7 दिन लग जाते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि दवा नहीं करते तब भी ठीक हो जाता, दवा करी तब भी तो उतना समय तो उतना ही लगा, पर व्यक्ति को लगता है 1 सप्ताह यानी, है ना, और कहाँ 7 दिन। तो जो सप्ताह का अर्थ 7 होता है वो अब नहीं समझ में आ रहा है, लगता है कि बहुत ही जल्दी हो जाता है ना दवा लेने से, तो विनोद करते हैं लोग। तो मुझे जुकाम हो जाए तो वो नहीं कहते कि भाई दवा लो, बड़ा अच्छा हुआ शरीर में एकत्र मल निकला जा रहा है। और प्राकृतिक चिकित्सा इसी प्रकार होती है, ज्वर आ जाए तो कहते हैं शरीर का विकार अब निकल गया। तो ये क्या है, ये भी एक समत्व की युक्ति है, नहीं तो व्यक्ति घबरा जाता है भाई पता नहीं क्या निमोनिया हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो फलाना व्यक्ति मर गया, है ना, हम कहीं न चले जाएं, तो घबरा जाता है, मृत्यु के भय से घबराना नहीं चाहिए। अब अंतिम दृष्टांत समत्व के लिए, महात्माओं के पास लोग आते ही हैं तो यहाँ भी अपना दृष्टांत देके समझा रहे हैं। एक मनुष्य प्रतिदिन आता है, प्रेम है तब तो प्रतिदिन आकर घंटे भर बात करता है, भाई व्यक्ति को बिना प्रेम हुए वो थोड़ी आवेगा, जब प्रेम है तभी तो आवेगा, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वो उसने भेंट रखी उसकी श्रद्धा है, भेंट नहीं रखी वो बुरा है ऐसा नहीं, वो हमको विरक्त मान रहा है,
तो इसकी युक्ति है, समत्व में रहने की युक्ति है। तो अब वो जो प्रतिदिन आता है तो उसका तो प्रेम है, पर कल्पना करो कि दूसरा भी एक व्यक्ति है और वो भी परिचित है, बुद्धिमान है, यानी पहले वाला तो इतना बुद्धिमान भी नहीं है, पर एक घंटा बैठे रहता है, मतलब समय ही बिगाड़ता है ना। प्रेमी ही जरूर है पर ये तो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान अगर आवेगा, सत्संग करेगा एक घंटा, तो उसको भी लाभ होगा, महर्षि को भी अच्छा लगेगा। पर क्या करता है, वो नहीं आता है। दूसरे परिचित बुद्धिमान हैं, वे हमारे समय का बहुत ध्यान रखते हैं, वे यह सोच कर नहीं आते कि जाएंगे तो स्वामी जी को हमसे बातें करनी होंगी, उनका समय नष्ट होगा। तो दोनों के लिए क्या है युक्ति, कि भाई उसका प्रेम है इसलिए वो इतना समय दे रहा है, और इसका भी प्रेम है, क्यों, क्योंकि हमारे समय का ध्यान रख रहा है कि भाई स्वामी जी को अपना काम करना पड़ता है। तो वे यह सोच कर नहीं आते कि जाएंगे तो स्वामी जी को हमसे, यानी वो सोचे कि नहीं सोचे, पर हमको अपने हृदय में ऐसा रखना चाहिए कि भाई वो क्यों नहीं आते, उनको भी आना चाहिए, ये एक घंटा बैठता है, प्रेम करता है, उसको भी प्रेम करना चाहिए। नहीं, वो नहीं आ रहा है, तो ये मन में विचार कर ले कि भाई वो ये सोचता होगा कि स्वामी जी से के पास जाएंगे तो हमसे बातें करनी होंगी, उनका समय नष्ट होगा। तो दोनों के प्रति समत्व हो गया। तो अलग अलग तीन दृष्टांतों द्वारा, एक भेंट वाला, एक प्राकृतिक चिकित्सक वाला, और एक ये प्रेमियों वाला। तो अब अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, इस प्रकार सब ब्रह्म है, इस आधार पर इंद्रियों का संयम हो। देखिए, जब अच्छा बुरा हम मानेंगे व्यक्ति में तो वो समत्व नहीं रहा, पर जब जिसने भेंट दी उसको भी हमने अच्छा माना, जिसने भेंट नहीं दी उसको भी अच्छा माना, है ना, रोग आया उसको भी अच्छा माना, रोग नहीं है तब तो अच्छा है ही है, तो समत्व हो गया। जो प्रेम करके एक घंटा बैठ रहा है उसको भी अच्छा माना, जो नहीं आ रहा है उसको भी अच्छा माना। तो इस प्रकार सब ब्रह्म है। तो इसमें आधार क्या हो गया कि हमारी ब्रह्म बुद्धि, हमारी भगवद बुद्धि बनी रही। इसलिए भगवान ने पांचवें अध्याय में कहा, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, ब्रह्म को सम बताया और वो निर्दोष बताया, और जो संसार है वह सदोष है और विषम है। तो जब ब्रह्म बुद्धि करेंगे, जब भगवद बुद्धि करेंगे प्रत्येक में, तो वो जो विषमता और वो जो सदोषता है संसार की, वो रहेगी नहीं। इस प्रकार सब ब्रह्म है, इस आधार पर इंद्रियों का संयम हो। अब इंद्रियां जो हैं तो वो क्यों लालायित हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमको सुख मिलेगा, पर जब पता लग गया कि सर्वत्र वही ब्रह्म है, हमारे हृदय में भी वही है, तो ये ज़्यादा आसान है। सामने वाले के से सुख लेने में उसकी पराधीनता झेलनी पड़ेगी, और अपने स्वतंत्र हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, उनका पूरा कहते हैं एक स्तोत्री है, तो कहते नहीं हैं, तो वो कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम क्यों लिखा, कि कोई कामना है ही नहीं, सब जगह ब्रह्म है, अपने आप में परिपूर्ण है। तो ऐसे जो हैं, एक पादरी आए थे वहाँ रमण महर्षि के पास, रमण महर्षि कोपिन में ही रहते थे, तिरुवण्णामलाई में, हमारे कमरे में उनका वो कैलेंडर भी राम जी ने भेजा है तो लगा हुआ है। तो वो जो पादरी थे, उन्होंने दिखाया रमण महर्षि की ओर इशारा करके कि है कोई पादरी या कोई ईसाई धर्म में जो ऐसे रह सके, यानी उनको भी समझ में आया कि भाई देखो कितने आनंद में रह रहे हैं, कोई कामना नहीं, परिपूर्ण है। तो ब्रह्म जब परिपूर्ण है तो इंद्रियों के संयम में भी इसको हम उपयोग में ले सकते हैं, कि इंद्रियां जो इतनी चंचल हो रही हैं उसके मारे हम लोग गुलामी कर रहे हैं, है ना, चीज़ छूट नहीं रही है, आदत बन गई है, दुखी हो रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई सब जब ब्रह्म ही है, अपने में ही परमात्मा है, तो इस प्रकार सब ब्रह्म है, इस आधार पर इंद्रियों का संयम हो, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए।
ये सिर्फ एक बार सुन लेने से नहीं होगा, इसका जब हम अभ्यास करेंगे ये पक्का हो जाएगा कि भले हमारा अनुभव नहीं है कि सब जगह ब्रह्म है, सब परमात्मा ही है, पर चूंकि ये शास्त्र की बात है तो शास्त्र की बात कभी गलत नहीं हो सकती। हमारा जो अनुभव है विषमता का, सदुष्टता का, तो वो संसार को लेकर है। अगर हमको सियार राम में सब जगह जाने वाली बात अंदर बैठ जाए तो फिर सब जगह आनंद ही आनंद है। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय जय राम।